सर उनके नाजायज संबंध हैं कल्याण सिंह यादव के साथ। सब नए आदमी आते जाते रहते हैं, हमारी बहन ऐसी रहती हैं घर में, वो कच्चे में नए आदमियों के साथ पड़ी रहती हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं तो वह हमें मारने की धमकी देती हैं, घर से भगा देती हैं, और किसी के पास हम सहायता मांगने जाते हैं तो उन्हें भी धमकी देती हैं, अगर इसके मदद करी तो ये फंसा दूंगी समार के। उनके साथ नाजायज संबंध हैं सर, वह दोनों मिलकर गलत काम करते हैं। नए नए लोग आते जाते रहते हैं सर, हम किस किस का ध्यान रखें सर? या तो हमें किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया जाए या हम अपना खा कमा लें। एक माँ जो अपने बेटे से कल तक बेइंतहा प्यार करती थी, उसे सबसे लाडला बेटा मानती थी क्योंकि वो बड़ा बेटा था, आज वो उसकी जान की दुश्मन हो चुकी है। क्योंकि जो बेटा है आज बुलंदशहर के SSP ऑफिस पहुंचा है, गुहार लगा रहा है कि मुझे मेरी माँ से बचा लो, मेरी माँ मेरी जान की दुश्मन हो चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला है इन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगा। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम हेमंत है। हाँ, कहाँ के रहने वाले सर? हम यहीं के रहने वाले हैं, IT ऑफिस के पास, यमुनापुरम कॉलोनी ब्लॉक V, फ्लैट नंबर EWS SF0। क्या हुआ है, क्यों आज यहाँ तक आप पहुँच गए, माँ क्यों दुश्मन बनी? सर हमारी मम्मी के कल्याण सिंह यादव, सन ऑफ खजान सिंह, उनके साथ नाजायज संबंध हैं सर, वह दोनों मिलकर गलत काम करते हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं तो सर वो हमें जान से मारकर किसी को भी फंसाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं और पैसे ऐंठते हैं सर, यही काम करते हैं वो। कितने समय से इनके संबंध हैं? सर 4-5 साल हो गए। तो आपके पापा कहाँ हैं? सर हमारे पापा हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे जब हम 4-5 साल के थे। कितने बहन भाई हो आप? सर हम 4 बहन भाई हैं, हमसे बड़ी हमारी बहन है। अच्छा, तो जो बाकी बहन भाई हैं आपके, बड़ी बहन है और भी आपके 2 छोटे हैं, वो एतराज़ नहीं उठाते? सर वो उनके विरुद्ध नहीं जाते सर, हमारे साथ कोई भी नहीं है सर, हम अकेले हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? सर हम उन्हें रोकते हैं तो हमें घर से बाहर निकाल देती हैं, और हमें 3-3 दिन तक बाहर निकाल दिया था सर पहले, जब हम पहले एप्लीकेशन दी थी हमें बाहर निकाल दिया था, हम घर में आने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी नानी हमें ईंटों से मार रही थी, भगा रही थी। तो कुछ ऐसी कमी आप के अंदर है या फिर जो माँ है वो ऐसा क्यों आपको घर से निकाल के, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी माँ आपको मारने वाली है, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर उनके नाजायज संबंध हैं कल्याण सिंह यादव के साथ, हम इस बात का विरोध करते हैं। और कौन है कल्याण सिंह यादव? सर ड्राइवर हैं, यह बराल के रहने वाले हैं। अच्छा, इनके साथ हमारी माता के नाजायज संबंध हैं। अच्छा, इनके ही साथ हैं या और भी कोई? सर और भी हैं। सच सच बताइए। नए नए लोग आते जाते रहते हैं सर, हम किस किस का ध्यान रखें? घर पे लोग आते हैं, कौन आते हैं? सर ऐसा यादव आता है इतनी तो हमें पता, और वैसे औरों के नाम नहीं पता हमें। नहीं, आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि जो माँ है वो धंधा करती है, आपने एप्लीकेशन में लिखा है, तो क्या है ये सब, मतलब झूठ क्यों बना रहे हो, झूठ बना रहे हो? सच बना रहे, सच बात है सर, बताइए। सर हम इसका विरोध करते हैं तो हमें मारने की धमकी देते हो, किसी को फंसाने का वो लगा देते हैं इल्ज़ाम। हम किसी के पास मदद मांगने जाते हैं तो उसे फंसाने की धमकी देते, फिर हम वहाँ भी नहीं जा पाते सर। अब हम जॉब कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए कोई खड़ा होगा तो फिर उसे भी फंसाने के लिए सर धमकी देती हैं। अच्छा, उसको भी धमकी देती हैं? हाँ सर। हाँ बोलो बोलो, और बोलो, किस किस को फंसा दिया अब तक, कितने लोग फंसा दिए? सर पड़ोसी बहुत से हैं, किसी के पास मैं रोटी वोटी खाने भी चला गया, रोटी वोटी ना देती थी तो उनसे मना कर देती थी कि तुम्हें फंसा दूंगी अगर इसको रोटी दी, इसे अपने पास बुलाया तुम्हें फंसा दूंगी। अच्छा, नहीं आपने कहा कि आपने एप्लीकेशन में लिखा है, आपके एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि मुझे जान से मारना चाहते हैं मेरी माँ और जो कल्याण सिंह यादव है, ठीक है, और मेरी माँ चरित्रहीन व शातिर महिला, आ जाओ थोड़ा कैमरा दिखो, ये लिखा हुआ है चरित्रहीन व शातिर महिला है जिस पर थाना कोतवाली देहात में। अच्छा, ये मुकदमे किस चीज़ के लगे हुए हैं इन पे? सर इन्होंने एक दीदी रहती थी उनका सर्वर फोड़ दिया था। हाँ, तो कोई केस होगा तो जबकि लगे हुए हैं ये, जब से मुकदमे लगे हुए हैं। हाँ सर, आपको ये कैसे लगता है, क्यों लगता है कि जो आपकी माँ है वो आपको मारना चाहती है? सर उनके नाजायज संबंध हैं कल्याण सिंह यादव के साथ, सब नए आदमी आते जाते रहते हैं, हमारी बहन ऐसी रहती हैं घर में, वो कच्चे में नए आदमियों के साथ पड़ी रहती हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं तो वह हमें मारने की धमकी देती हैं, घर से भगा देती हैं, और किसी के पास हम सहायता मांगने जाते हैं तो उन्हें भी धमकी देती हैं, अगर इसके मदद करी तो तुझे फंसा दूंगी समार के, और उनसे पैसा ऐंठती हैं। अच्छा, इस तरह के? यस सर। तो ये दुखड़ा था एक बेटे का अपनी माँ के खिलाफ जाना। कोई नशा वशा तो नहीं करते हो? नहीं सर। पक्की?
यस सर। रह के इसके पास रहे हो अभी? सर हम अभी तो ऐसे रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं नोएडा में। नोएडा जॉब करते हैं? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि कोई माँ से छोटी मोटी बात हो गई हो? नहीं सर। ये पहली एप्लीकेशन नहीं है, और भी पहले भी दी थी हमने 2022 में। वो क्या था सर? वो भी यही एप्लीकेशन दी थी हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई, अब हम दोबारा देने आए हैं। अब दोबारा देने के लिए? यस सर। 2022 में भी एक बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, मगर उस दौरान शायद रह गई हो कोई कसर। अब एसएसपी साहब से यहाँ गुहार लगाई है कि मेरी माँ से मेरी जान बचाई जाए, जो उसका आशिक है और जो मेरी माँ है वो जान की दुश्मन बनी हुई है। देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है।